हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें एडवांस होती जा रही हैं। तो अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक करके सेव कर लें, ताकि जब भी आपको एक्सेस करना हो प्लेलिस्ट को तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाए। तो सिंपल इतना सा काम आपको करना है। और चैनल पर न्यू है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तीन चैप्टर जो हमने पढ़ लिए 11, 12 एंड 13, उसकी एक्सरसाइजेस को। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा रूल है, तीन चैप्टर के बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसी तरह हमारा 11, 12 चैप्टर कवर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी बुक के ऊपर और देखते हैं हमारा चैप्टर 13 किस चीज से रिलेटेड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपनी जावास्क्रिप्ट बुक के ऊपर। जो हमारा चैप्टर 13 है वो रिलेटेड है टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। ये भी कंडीशन की बेस पर कोई काम अगर आपको करना हो तो आप जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एंड ऑपरेटर है। अगर आपको काम कोई कंडीशन ऐसी है कि मतलब दो कंडीशंस का एक साथ यूज करना है, उसकी बेस पर कोई काम करना है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब वेट जैसे इन्होंने दिया है, अगर वेट ग्रेटर देन 300 है और मतलब एंड, इसका मतलब है एंड परसेंट दो लगाए हुए, दूसरी कंडीशन चेक करो, और अगर टाइम लेस देन 6 है तो ही अलर्ट में प्रिंट करो कम टू आवर ट्राई आउट, एल्स में आप प्रिंट कर दो अलर्ट कम टू आवर कुक आउट। तो ये एग्जांपल देखते हैं। यहां से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और अपने वीएस कोड के अंदर आता हूं। ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, यहां से रिमूव कर देता हूं। यहां पर पेस्ट किया और यहां से इसको सेट कर लेता हूं जरा, यहां 3, 4 को रिमूव किया, 5, 6 ये सब सेट हो गए। फाइल को किया सेव, index.html का पाथ कॉपी करता हूं जल्दी से और गूगल क्रोम पर आकर पेस्ट करता हूं। यहां पेस्ट कर दिया, इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल के अंदर आऊंगा, बल्कि कंसोल में भी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो है वो हमारा चला। ये देखें वेट इज नॉट डिफाइंड और ये शो टाइम जो है html का एरर है। तो html में एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें शो टाइम है, उसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से। अब ये एरर चला जाएगा। फाइल को करता हूँ सेव और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है, डीबग करता हूँ उसको और यहाँ पर ये देखें इस लाइन में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वेट डिफाइंड नहीं है और टाइम डिफाइंड नहीं है, तो हमें ये दो काम भी करने होंगे। तो मैं जल्दी से वेट लिख लेता हूँ, वेरिएबल एक बना लेता हूँ वेट नाम का, यही वेट जो यहाँ पर डिफाइन हुआ है। कंट्रोल वी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेटर देन 300 है ना, तो यहाँ पर 400 लिख देता हूँ, मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी क्योंकि वेट जो है 300 से बड़े। और दूसरी कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, सही है, दूसरी कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ। वेरिएबल टाइम अगर छोटा है 6 है, लेकिन मैं इसको भी टाइम को जो है वो 7 रखता हूँ ताकि वो छोटा ना हो 6 से और कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा अलर्ट में, क्या ये वाला अलर्ट चलेगा या फिर ये वाला अलर्ट चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि किस तरह। कम टू आवर कुक आउट, ये क्या चला, ये एल्स पार्ट चल गया, ये एल्स पार्ट चला है अलर्ट कम टू आवर कुक आउट। क्यों? एक कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स थी। इस एंड परसेंट का काम क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, अगर कंडीशन दोनों ट्रू हैं तभी ये प्रिंट करेगा इसको, वरना ये चला जाएगा एल्स पार्ट के अंदर। तो इसको जो है वो दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर बल्कि इस तरह नहीं करूंगा, इसको जो है 5 कर दूंगा। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो अब जो है मेरे पास चलेगा कम टू आवर ट्राई आउट। ओके, तो सबको क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह ये इन्होंने 4 ली हुई एग्जाम्पल, मैं आपको ये भी दिखा ही देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। कंट्रोल सी, इसको यहाँ से जो है वो इस तरह से करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो जल्दी से जो है इसको सेट कर लूंगा, जल्दी से इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ जो एरर है, जल्दी से यहाँ पर हो गया सेट सब कुछ। तो टाइम है इसको मैं अनकमेंट करता हूँ क्योंकि दोनों दोनों चीजें मुझे चाहिए।
और यहाँ पर एज जो है एज भी बना लेता हूँ, अगर ग्रेटर देन 17 है तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन इसमें फॉल्स ही रखूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 16, ये अब फॉल्स हो गई क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है एज 17 से, और जेंडर मेल ही रखूंगा ताकि एक कंडीशन फॉल्स हो बाकी सारी ट्रू हो, इज इक्वल टू मेल। सही है, ये चारों कंडीशंस हो गई। अब मैं चेक करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पता है क्या आएगा, कम टू अवर कुकआउट, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स है एज वाली, तो यहाँ पर कम टू अवर कुकआउट आ रहा है। अब अगर मैं एज को सेट कर दूं 18, अब ग्रेटर देन 17 हो गई क्योंकि ये 18 हो गई, एज 17 से बड़ी है, तो कम टू अवर ट्राई आउट। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई, चाहे आपने अगर यहाँ पर 1000 कंडीशन लिखी हैं, उसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आपका ये काम नहीं करेगा और एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट को प्रिंट कर देगा। अब इसको भी एक तरीका है सेट करने का, हमारा अगला ऑपरेटर है वो, तो इसको हम बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा और, इसको हम बोलते हैं एंड, ये जो दो निशान है एंड परसेंट के, इसको हम बोलते हैं एंड, और ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और ये जो ऊपर आ रहा है आप देख सकते हैं, ये जो जिसपे मैंने कर्सर हाइड किया हुआ है, ये और ऑपरेटर है। तो अब ये एग्जाम्पल है, मैंने जो ये एग्जाम्पल देखी, मैं इसी के साथ आपको करके दिखाता हूँ। अब एज जो है मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको मैं ये ले लेता हूँ दो, सिर्फ यहाँ से दो ले लेता हूँ सिर्फ, और यहाँ से जो है इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर और आपको दो जो है, ये जो आपको बैक स्पेस के नीचे आपको मिल जाएंगे साइन आपको लगाने, उसके बाद ये कंडीशन दोनों जो है भी ट्रू हो रही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, फाइल को किया सेव, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब क्या चला, अब पता क्या चला, अभी भी कंडीशन ये ट्रू समझी इसने और इसको जो है प्रिंट कर दिया। इसका काम क्या होता है, ये अगर इसको एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली या तो राइट हैंड साइड वाली, तो ये इसको प्रिंट कर देगा और ये समझेगा कि कंडीशन ट्रू है और ये उसको प्रिंट कर देगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर मैं 200 लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये फिर एल्स पार्ट में आएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये जो है एल्स पार्ट चल रहा है। सबको क्लियर आई थिंक, तो आपको समझ में आ गया ये क्या करता है। और यहाँ पर अगर इसको पहली कंडीशन फॉल्स मिल गई तो ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर दूसरी भी फॉल्स मिल गई तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर पहली फॉल्स मिली लेकिन दूसरी ट्रू मिल गई, तब भी ये जो है पहले पार्ट को चला देगा और हमें उसका आंसर रिटर्न कर देगा। तो यही था सिंपल सा आज जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे हमारे बेसिकली, तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले आगे अगर देखा जाए। तो यही बेसिक एग्जाम्पल्स थे कुछ जो आपको दिखानी थी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जो मेन टॉपिक है इस कोर्स का वो है हमारी एक्सरसाइज। तो आज एक ही एक्सरसाइज है लेकिन थोड़ी ट्रिकी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। इसमें क्या है, आपको जो है एक स्क्रिप्ट लिखना है जावास्क्रिप्ट का, राइट अ स्क्रिप्ट, क्रिएट अ वेरिएबल एंड आस्क द यूजर मैसेज फ्रॉम इनपुट। प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको यूजर से मैसेज लेना है, इंटर द नंबर, कोई एक नंबर इंटर करेगा, चेक इनपुट वैल्यू, आपको इनपुट वैल्यू को चेक करना है, इफ इनपुट वैल्यू आर इवन, मतलब वो नंबर अगर इवन है जो यूजर ने इनपुट किया है इंटर किया है, तो शो द मैसेज एन अलर्ट बॉक्स दिस नंबर इज इवन, एंड इफ द नंबर इज ऑड शो अलर्ट दिस नंबर इज ऑड। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सोचना है खुद दिमाग से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना इतना ही, कैसा लग रहा है कोर्स नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि तो सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आपने 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, इसी तरह आप हमारा नेक्स्ट चैलेंज है 2 के सब्सक्राइबर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।